नमस्कार, मैं गौरी शंकर दुबे। मैंने ग्लोबल वेब टीवी के लिए एनएस बास्केटबॉल कोच हरजिंदर सिंह से बातचीत की। वे इंदौर की नेशनल बास्केटबॉल एकेडमी में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। यह उनका दूसरा कार्यकाल है। बीच के एक साल में वे लुधियाना चले गए थे, लेकिन बास्केटबॉल ट्रस्ट इंदौर के सचिव भूपेंद्र कुमार मंडी ने मांग की सरकार से कि उन्हें वापस इंदौर पहुँचाया जाए। बहरहाल वे यहाँ युवाओं को और ख़ास करके 3 साल से 9 साल तक के बच्चों को विशेष तैयारी करा रहे हैं। सबसे अच्छी बात यह है कि उनके आने के बाद मध्य प्रदेश की टीम देश की पहली 6 टीमों में आ गई है, चाहे वह सीनियर हो, जूनियर हो अथवा सब जूनियर हो। मैंने उनसे बास्केटबॉल कॉम्प्लेक्स में बातचीत की। पेश है। नमस्कार, हमारे पास आदरणीय हरजिंदर सिंह साहब बैठे हुए हैं, जो कि बास्केटबॉल के एनआईएस कोच हैं। वे यहाँ इंदौर में नेशनल बास्केटबॉल एकेडमी में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। मैं सबसे पहले उनका धन्यवाद प्रकट करता हूँ कि उन्होंने कोचिंग के दौरान अपना मूल्य समय हमसे बातचीत के लिए दिया। आदरणीय, अभी मैं देख रहा हूँ यहाँ छोटे छोटे बच्चे भी प्रैक्टिस के लिए आ रहे हैं। आप न्यूनतम आयु में, सबसे कम आयु में किन बच्चों को ले रहे हैं, क्या उनकी उम्र है? हमारे पास जो सबसे छोटे बच्चे हैं वो 3 साल से स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग जी, क्योंकि बच्चे 3 साल के, 3 साढ़े 3 साल मतलब मिनिमम एज है, कम से कम एज जी। इससे नीचे नहीं हम लेते। अच्छा। क्योंकि फिर उनको संभालना, उनका केयर करना बड़ा मुश्किल है। 3 साल का बच्चा भाग सकता, दौड़ सकता, पकड़ सकता, बॉल को ड्रिबल कर सकता है। सो जो भी हम एक्टिविटी उसको कराना चाहें उनके मुताबिक, उनकी उम्र के मुताबिक वो कर सकता है जी। इसलिए ये मिनिमम एज, मतलब कम से कम एज हमने 3-3.5 साल रखी हुई है जी। इसमें रेगुलर कितने बच्चे आ रहे हैं, लड़के लड़कियाँ? हमारे पास ये है कि सर, हमारे ग्रुप हैं जी। जैसे छोटे बच्चों का हमने टाइमिंग ही अलग रख रखा है, 5 से 6 और 6 से 7, ये दोनों टाइमिंग हमारे छोटे बच्चों के, किड्स के जी, जो कि 3 साल से लेकर 10 साल तक बच्चे आते हैं इसमें जी। जो इन बच्चों का ग्रुप 5 से 6 जो सबसे छोटे हैं जी, 3 साल से लेकर 7-8 साल तक के, और उसके बाद जो 10 साल से ऊपर वाले बच्चे 6 से 7 में आते हैं जी। तो उसके बाद 7 बजे जूनियर बच्चे जो 12-15 साल वो आते हैं, फिर 8 बजे ऑनवर्ड जूनियर अंडर 19 और मैन वीमेन, वो दोनों का ग्रुप रात 10 बजे तक चलता है। यानी 4 से लगातार 10 बजे तक का जी 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 जी। कितने कोर्ट है वीर जी, यदि नए कोर्ट को छोड़ दिया जाए तो? नए कोर्ट को छोड़ दिया, जो हमारे पास 3 कोर्ट हैं जी, नया कोर्ट बस थे, वो भी पहले वर्किंग में ही था, अभी वुडन कोर्ट लगने लग गया, इसलिए वो थोड़ा 2-4 दिन के लिए रुका हुआ है। सिंथेटिक कितने हैं और वुडन कितने हैं? सर, हमारे पास यहाँ सिंथेटिक नहीं है, हमारे पास वुडन 2 है, ये जो और ये सीमेंटेड 2 है। सीमेंटेड है? हाँ, हमारे पास 2 कोर्ट सीमेंटेड है, वो फ्लड लाइट है, और 2 इंडोर है, वो वुडन है जी। अभी जो बड़ी उम्र के बच्चे आपके यहाँ तैयारी कर रहे हैं, जो NBA से जुड़े हैं, सीधी बात जी, वो उनकी संख्या कितनी, लड़के लड़के की? उनकी संख्या कम से जी 200 से ऊपर होगी। अच्छा। जो बड़े हैं जी, इंदौर के ही, क्योंकि वो सारे ग्रुप में आते हैं जी, ऐसा नहीं कि एक ही साथ सब इकट्ठे आते हैं जी। जैसे 7 से 8 में आएंगे, फिर 8 से 10 में हमारे पास चारों ग्राउंडे चलती हैं उस समय। अच्छा। जब आप आए जी, तो उसके बाद मतलब वो समय क्या, जब आप यहाँ पे आए? मैं पहली बार 24 अगस्त 2015 को आया था। अच्छा। मैं 2018 तक यहाँ रहा, फिर 1 साल के लिए मैं NAS पटियाला में चला गया था जी, एज ए वहाँ पे टीचिंग में, एज ए चीफ कोच जी। तो फिर दोबारा मैं ट्रांसफर करवा के यहाँ आ गया, मेरी इन लोगों ने ट्रांसफर करवाई जी, इनको जरूरत थी कोच की, इन लोगों ने बात हुई सारी, इन्होंने जैसे भी अपने सोर्सेज से मेरी ट्रांसफर यहाँ फिर दोबारा करवाई जी। जब आप यहाँ की टीमों को छोड़कर गए थे जी, तो आप जब 1 साल आप नहीं रहे, तो उनके प्रदर्शन में गिरावट आई? नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं, गिरावट नहीं आई। उस समय क्या था सर, जो असली बात है, हमारी मध्य प्रदेश बास्केटबॉल एसोसिएशन के 2 ग्रुप थे, उसमें लिटिगेशन चल रही थी जी। सो यहाँ पे मेरे दोबारा आने से हम लोगों ने अपने प्रयासों से, इन लोगों के अपने प्रयास से वो कॉम्प्रोमाइज करके यहाँ अभी इस समय मध्य प्रदेश में वो लिटिगेशन खत्म हो गया, कॉम्प्रोमाइज हो गया, अब बहुत बढ़िया चल रहा है, दोनों ग्रुप मिलके काम कर रहे हैं। आखिरी बार दोनों का ग्रुप 1 हो गया है जी। आखिरी बार हमारी टीमों ने जो परफॉर्म किया है, यदि उस पर नजर डाले तो सुधार हुआ है? बहुत सुधार हुआ है। हमारी टीमें पहले बेस्ट 8 में नहीं थी। हाँ। जूनियर की अभी टीम बेस्ट 8 में नहीं थी, वो अभी दोनों बॉयज गर्ल्स दोनों बेस्ट 8 में आ गई हैं। इसी तरह मिन्नी की टीम कटक में गई थी,
वहां भी हमारी टीम में बेस्ट एट में नहीं थी, वहां भी दोनों टीमें हमारी बेस्ट एट में आ गई है। हमारी बॉयज टीम 6वें नंबर पे आ गई है, गर्ल्स टीम 7वें नंबर पे आई है। इसी तरह अभी जूनियर पटना में गए थे, वो पटना में भी हमारी बॉयज टीम आई है, वो आई है 6वें नंबर पे, और जो लड़कियां वो 8वें नंबर पे आई है। ये जितनी भी टीमों के आप वर्ग बता रहे हैं जी, वो दिन कब दूर है जब यहाँ आप उनको चैंपियन बनते देख रहे हैं? सर चैंपियन तो पहले भी मध्य प्रदेश टीम हो चुकी है, और अभी भी ऐसी बात नहीं है कि चैंपियन नहीं बनेंगे, वो दिन दूर नहीं है, क्योंकि अगली जूनियर नेशनल जो कि मुझे उम्मीद है कि मई के महीने में यहाँ होने वाली है जी, अंडर 18 की जूनियर नेशनल यहीं होने वाली है, और उसमें हमारी टीम बहुत बढ़िया परफॉर्म करेगी। मैं हमको हम आपको ऐसा अश्योर नहीं करते कि गोल्ड मेडल जीतेंगे, हाँ मेडल टैली में जरूर आएगी ये मैं उम्मीद करता हूँ। आप ऐसा मानते हैं जितने भी साधन सुविधाएं पर्याप्त हैं या कमी है? नहीं, सुविधाएं बहुत बढ़िया है, ऐसी सुविधाएं पूरे इंडिया में नहीं है। अच्छा, ऐसे 4 ग्राउंड और 2 इंडोर 2 आउटडोर कहीं भी नहीं है पूरे इंडिया में, भारत वर्ष में इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर और अकोमोडेशन के लिए सारा कुछ जो भी है, ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर इंडिया में कहीं नहीं है, जो बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर है ये भारत का। पंजाब के खिलाड़ियों में और मध्य प्रदेश के खिलाड़ियों की फिजिक में बहुत अंतर है, और खेल में आप अंतर मानते हैं? खेल में भी अंतर है और उनके खान पान में अंतर है, अप्रोच में, उनकी जो गेम की अप्रोच में कोई अंतर नहीं है, अप्रोच सब सेम है, हाइट यहाँ भी ठीक है, हाइट वहाँ भी ठीक है, द मेन थिंग क्या है कि डाइट है, जो बच्चों की डाइट यहाँ है और वहाँ है उसमें जमीन आसमान का अंतर। क्या अंतर है सर यहाँ? पहले तो आपको भी मालूम है कि यहाँ की सबसे प्रिय डाइट तो पोहा है। अच्छा, जो कि सब लोग पूरे मध्य प्रदेश के 70% लोग पोहा ही ब्रेकफास्ट में खाते हैं। अच्छा, और पोहा में मुझे नहीं लगता कोई ताकत वाली ऐसी कोई चीज है। नहीं, ब्रेकफास्ट में आप बहुत तरह की उसमें फाइबर्स हो, फैट हो, और तरह तरह के फ्रूट्स जो भी आप अफोर्ड कर सकते हो, मैं ये नहीं कहता कि ये खाओ, मगर जो भी बंदा अफोर्ड कर सकता है, बट दैट डाइट शुड बी हेल्दी। पोहा इज नॉट हेल्दी डाइट स्पोर्ट्समैन के लिए, पोहा इज नॉट गुड। अभी जूनियर और सीनियर में जो लड़के लड़कियां बहुत संभावना वाले हैं, वो कौन है जो बहुत आगे जा सकते हैं? बच्चों के नाम चाहते हो? नाम पूछना चाहते हो? जी जी, नाम ऐसा है कि देखिए जी, सीनियर्स में अभी तो एक हमारा मध्य प्रदेश का लड़का हर्षवर्धन सिंह तोमर जी, वो सीनियर इंडिया के कैंप में है जी। और उसके अलावा हमारे जूनियर में भी जो जूनियर का कैंप लगेगा उसमें भी हमारे 2-3 लड़के हैं, और वो कैंप भी लगना है, और आगे जाके जूनियर नेशनल जब होगी उसके बाद फिर सिलेक्शन होगी, तब एशियन चैंपियनशिप के लिए सिलेक्शन यहाँ इंदौर में ही होगा, इंदौर में ही होगा वो सिलेक्शन, उसमें पता चलेगा, क्योंकि वो सिलेक्शन कमेटी के ऊपर निर्भर है। मैं ऐसे किसी बच्चे का नाम नहीं ले सकता जी, क्योंकि वो अनऑफिशियल हो जाएगा, और मेरे लिए ये अच्छी बात नहीं है, क्योंकि मैं एक सरकारी आदमी हूँ, जिम्मेवार आदमी हूँ, मैं गलत बात नहीं कर सकता। हाँ, जो मौजूदा लड़का है हर्षवर्धन सिंह तोमर, वो इंडिया की मेन टीम में, मतलब बड़ी पुरुषों की टीम में इस समय बैंगलोर में कैंप में है। बहुत बहुत धन्यवाद वीर जी हमसे बात करने के लिए।